हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल टेक्निकल एम करियर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप अपने घर बैठे ही मोबाइल बैंकिंग से आप अपने बैंक का स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सिंपली देखिए, यहाँ पर आप यहाँ सेंट मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा और इंस्टॉल करके यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा मेरे पिछले वीडियो को देख करके। और यहाँ पे देखिए लॉगिन, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए लॉगिन, मैं लॉगिन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। और क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए यूजर आईडी और यहाँ पे एम पिन, तो यूजर आईडी और एम पिन मैं डाल दे रहा हूँ, आप भी डाल दीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया हूँ, एम पिन। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए सबमिट, सबमिट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए फेचिंग अकाउंट और यहाँ पे माई अकाउंट, यहाँ पे स्क्रॉल फॉर बैलेंस। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, अकाउंट ट्रांसफ़र, विल पे भी कर सकते हैं, कार्ड्स वॉइस रिक्वेस्ट और भीम सेंट यूपीआई। तो फ्रेंड इसकी बात मैं नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए अगर ऊपर इस तरह कर देंगे तो आपका जैसे ऊपर कर देंगे तो अकाउंट नंबर इस पर आ जाएगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जब ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा, जहाँ स्क्रॉल फॉर बैलेंस लिखा है वो ऊपर चला जाएगा। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए जब ऊपर यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका बैलेंस जितना रहेगा बैलेंस आपके अकाउंट में, तो ये भी बैलेंस आ जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिए एक बिंदी और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बिंदी और एक बिंदी यहाँ पे शो हो रहा है। तो फ्रेंड जैसे आप यहाँ से हाथ रख कर इधर खींचिएगा, तो फ्रेंड देखिए मैं यहाँ से हाथ रख करके और इधर सरका दे रहा हूँ, तो यहाँ पे फाइव स्टेटमेंट यहाँ पे शो हो जा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2000 रुपये डिपोजिट या क्रेडिट और जितना मतलब डिपोजिट क्रेडिट हुआ होगा आज जिस डेट में, यहाँ पे डेट शो हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो फ्रेंड इस तरह से फाइव स्टेटमेंट यहाँ दिखा रहा है, 1 2 3 4 5, तो पांच है। तो पांच स्टेटमेंट अगर देखने के लिए फ्रेंड आपको जैसे सेंट्रल बैंक का मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो आप अपने घर बैठे ही फाइव स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप अपने फाइव स्टेटमेंट को देख सकते हैं और यहां से आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, बिल पे भी कर सकते हैं, यहां पे कार्ड रिक्वेस्ट, बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे मान लीजिए अकाउंट में जाऊं तो यहां पे देखिए सेविंग करेंट, और यहां पे देखिए फ्रेंड मैं मान लीजिए बैंक आ जा रहा हूं यहां से, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र पे अगर क्लिक कर दे रहा हूँ तो देखिए अदर सीबीआई अकाउंट, मतलब बहुत सारे आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड इस तरह से आप अपने स्टेटमेंट को देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग से कुछ और भी वीडियो देखने हो तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पूरे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पूरा A to Z वीडियो बना करके रखा हूँ। तो फ्रेंड आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग से रिलेटेड पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।